अगर आप बिहार के नेताओं और मंत्रियों को ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी साइट्स पर सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों या सरकारी अफसर के खिलाफ अगर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी या अभद्र टिप्पणी करने पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा झूठ, भ्रम फैलाने वाले लोग, ग्रुप और संस्थानों पर भी इसके दायरे में आएंगे। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर भ्रमिक और झूठी खबरों पर आपत्ति जताते हुए पुलिस अफसरों को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। सरकार के किसी मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसर की छवि धुमली के आरोप में पोस्ट लिखने वाले आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। आर्थिक अपराधी इकाई के एडीजी नेयर हसनैन खान ने इस बारे में सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को चिट्ठी लिखी है। खत में बताया गया है कि अगर आपके विभाग में इस तरह का मामला सामने आता है तो आर्थिक अपराधी इकाई को इसकी वृत्ति सूचना दी जाए ताकि दोषियों को उचित कार्रवाई की जा सके। आर्थिक अपराध इकाई साइबर अपराध की नोडल एजेंसी है। सोशल मीडिया पर अश्लीलता, साइबर बुलिंग, साइबर उत्पीड़न जैसे मामले आर्थिक अपराध इकाई के तहत आते हैं। आपको बता दें, बिहार उन कुछ चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां सरकार के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन अब ऐसे दिन खत्म होने जा रहे हैं। न्यूज डेस्क।